शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पुष्पा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इंद्रदेव का संकट टल चुका है। इतनी घनघोर वर्षा हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वर्षा कभी रुकेगी ही नहीं। बात तो आपने सत्य कही नंदरानी, हम सब ने तो अपने जीवन की आशा ही खो दी थी। पर कान्हा ने पर्वतराज गोवर्धन के प्रति अपना विश्वास नहीं खोया और उसी विश्वास के कारण ये संकट टल सका। यही तो समझ नहीं आता पुष्पा कि इतने विकट संकट में भी कान्हा में इतना विश्वास आता कहाँ से है। अब ये तो आप ही बता सकती है नंदरानी, क्योंकि कान्हा अपने हर कार्य का श्रेय आप ही को तो देता है। कान्हा और उसकी बड़ी बड़ी बातें। केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं नंदरानी, बातों से कई बड़े बड़े कार्य भी करता है हमारा कान्हा। तू तो चुप ही कर पुष्पा, कान्हा के इन्हीं कार्यों से तो मुझे भय लगा रहता है कि कहीं मेरी लल्ला को किसी की बुरी दृष्टि न लग जाए। इससे पहले कि मैया की दृष्टि मुझ पर पड़े, मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। कान्हा, आप कहाँ जा रहे हो चोरी चोरी? मैं कहाँ जा रहा हूँ मैया? हाँ, स्मरण आया, मैं होली की तैयारी करने जा रहा था अपने सखाओं के पास। सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना, इसीलिए। कान्हा, कितनी बार कहा है तुमसे कि बिना कुछ खाए पिए घर के बाहर पग नहीं रखोगे? पर मैया, मैं तो पहले ही भोजन कर चुका हूँ ना, सभी ब्रजवासियों का छप्पन भोग, इसलिए अब मुझे तनिक भी भूख नहीं मैया। और जानती हूँ मैया, अब तो मेरे सखा भी मेरे लिए अपने अपने घरों से भोजन लेकर आते हैं, और यदि मैं उनका भोजन ना करूं तो सबके सब रुष्ट हो जाते हैं मुझसे। हाँ, अब तो तुम गोवर्धन धारी हो गए हो ना, सारा ब्रजमंडल तुम्हें छप्पन भोग जो खिलाता रहता है, अब तुम अपने मैया का बनाया हुआ माखन क्यों खाओगे? मैया, पर तुम्हें ज्ञात है भगवान विष्णु को नैवेद्य अत्यंत प्रिय है, यदि उन्हें भोग में नैवेद्य चढ़ाया जाए तो वो उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव को दूध से अभिषेक किया जाए तो वो भक्तों की सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। मुझे सब ज्ञात है लल्ला। मैया, पर तुम ये नहीं जानती कि यदि भगवान विष्णु को नैवेद्य नहीं भी चढ़ाओ और केवल एक तुलसी दल चढ़ा दो तो वो बिना मांगे भी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उसी प्रकार महादेव को भी कुछ मत चढ़ाओ, केवल एक बेल पत्र चढ़ा दो तो वो आपकी सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो लल्ला? मैं ये कह रहा हूँ कि मात्र तुलसी दल से भगवान विष्णु इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है, और बेल पत्र में साक्षात माता पार्वती का वास होता है, और मात्र बेसन के लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी इसलिए प्रकट हो जाते हैं क्योंकि उसमें हनुमान जी की माता का प्रेम होता है। मैया, इसलिए जब सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान संसार के पालन करता भगवान माता के प्रेम में इतने बंधे हैं, तो भला मैं कैसे अपनी माता के प्रेम से मुक्त हो सकता हूँ? अर्थात? अर्थात ये मैया कि भले ही मुझे छप्पन भोग अत्यंत प्रिय है, पर आपके हाथों माखन का एक और खाकर ही मुझे पूर्ण तृप्ति मिलती है। देख क्या रही हूँ मैया, लाओ खिलाओ अपने हाथों से मुझे माखन।
प्रेम के एक और के आगे संसार का छप्पन भोग भी कुछ नहीं है। बस कर लल्ला, अब और कितना रुलाएगा अपनी मैया को। मैया तो अब मैं जाऊँ अपने सखाओं के साथ। और ये माखन अपने मित्रों के लिए लेते जाओ। ठीक है मैया, सखा माखन पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। पर मुझे आते आते संध्या हो जाएगी मैया। कदापि नहीं कान्हा, संध्या से पूर्व ही आ जाना। यदि तुम्हें विलंब हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा गया मैया। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पुण्य कर्म है जो मुझे इस जन्म में कान्हा जैसा लल्ला मिला। मैं तो नारायण से यही प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा जैसा लल्ला हर मैया को दे। प्रभु, माता यशोदा कान्हा से जितना प्रेम करती थी उनके प्रति उतना ही कठोर भी रहती थी, ऐसा क्यों था प्रभु? आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, माता यशोदा ममता की मूरत थी, उनका प्यार अनूठा था। वो कान्हा को जितने प्रेम से माखन खिलाती थी उनकी भूल पर उतना ही कठोर दंड देती थी। उनकी बात ना मानने पर वो कान्हा को ओखली से भी बांध देती थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि माँ ही अपने पुत्र का व्यक्तित्व गढ़ती है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। इसलिए प्रेम के साथ साथ माँ को अपने पुत्र के साथ कठोर होना ही पड़ता है। और मैया यशोदा तो कान्हा के लालन पालन द्वारा माँ के इसी रूप का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बालक जब अपने माता पिता से प्रश्न करते तो वो क्रोधित हो जाते, पर मैया यशोदा ने ऐसा कभी नहीं किया। वे कान्हा के हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती थी, उनके हर जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करती थी। यहाँ तक जब कान्हा उन्हें पूछती थी कि राधा गौर वर्ण है और मैं श्याम वर्ण क्यों, तब भी मैया यशोदा हंसकर कहती थी कि भगवान राम भी सांवले थे पर सबको प्रिय थे, क्योंकि मनुष्य की पहचान रंग से नहीं अपितु कर्म से होती है। ऋषिगणों और इन्हीं सब के मध्य आरंभ होने वाली थी होली की लीला। क्या हुआ धामा, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? चिंतित ना हो तो क्या करूँ काना, ब्रज के हर गांव में होली की तैयारी आरंभ हो चुकी है। सारे ग्वाल बालों ने पिचकारी भी बना ली है, हमारे लिए तो जंगल में बांस भी नहीं बचे पिचकारी बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? अब तुम लोग हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए धामा क्योंकि तुम कान्हा के सखा हो, फिर भी यह नहीं समझते कि सब डाल डाल तो हमारा कान्हा पात पात। मतलब? मतलब ये धामा कि मैंने दाऊ को पहले ही कह दिया था कि खड्डे बनाकर उसमें रंग भरने के लिए। अब दूसरे ग्वालबाल हमारे पीछे पिचकारी लेकर भागेंगे और हम उन्हें रंग के खड्डों में गिराकर हर ओर से रंग देंगे। अब बोले धामा, हम है ना सबसे चार पग आगे। पर कान्हा, यदि ग्वालबाल बुरा मान गए तो हम उनसे कहेंगे कि होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। तब तो सच में बहुत अच्छी तैयारी की है कान्हा। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। सिखाओ, पर रंगों की होली बाद में होगी, उससे पूर्व हमें होली का दहन की तैयारी करनी होगी। प्रभु, आप तो लीला निधान है, भय सुख दुख मोह माया से परे हैं, इसीलिए आपको तो भय नहीं लग रहा था और आप सखाओं के साथ होली की तैयारी में लगे हुए थे। परंतु क्या ब्रिजवासियों के मन से इंद्र का भय दूर हो गया था? ऋषिगण, जब मनुष्य बार बार संकट का सामना करता है तो
तो एक समय आता है जब वो अपने संकट के भय से मुक्त हो जाता है। इस बार जब ब्रिज पर जल प्रलय का संकट समाप्त हो गया तो नंद जी ने दृढ़ता से ये निर्णय लिया कि होली का उत्सव जो हमने प्रारंभ किया है उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। परंतु माता यशोदा को समझाना इतना सरल नहीं था, उनके मन में भय अभी तक था। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।